ನೋಡ್ ದೋಸ್ತ ಕೆಂಪ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ ಬಾಜು, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ನೋಡ್ ದೋಸ್ತ ಕೆಂಪ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ ಬಾಜು, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ನೋಡ್ ದೋಸ್ತ ಕೆಂಪ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ ಬಾಜು, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9483342695, 9632983695, 9448244695, ಅನದರ್ ನಂಬರ್ 9482302695. मैं हूं आचार्य पी खुराना. होम सूत्र के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार. एक बार मैं यात्रा कर रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया. उसको मालूम हुआ कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और होम सूत्र में आता हूं. उन्होंने आपके प्रोग्राम में कहीं देखा. वो कहती हैं जी, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैंने सुना है कि कछुआ एक बाजार से मिलता है, उसको घर में एक उसका एक बॉक्स बना होता है, उसमें अपनी विश लिखकर बंद करके उसको पानी में, घर के पानी में कहीं जो भी उसका होता है आधार, वहाँ छोड़ दीजिए. विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाती है. दर्शकों, ये बात कहीं भी न्याय संगत नहीं लगती. ये प्रश्न बड़ा अजीब सा लगता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन एक बात तो भी सत्य है. मैंने उस व्यक्ति को क्या जवाब दिया जो आपको आज दे रहा हूं. जितने भी आप जिंदगी में चीजें रखते हो वो कहीं ना कहीं संकेतिक है. लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करो, संकेतिक है. इसी प्रकार मर्यादा में रहो, ये लक्ष्मण रेखा है. वो कछुआ आपको क्या कहता है, अकेली विष करने से बात नहीं बनेगी. जब आप अपनी विष उस कछुए के पास रखोगे तो कछुआ कहता है कि मैं अनथक हूं, मैं चलता रहता हूं, मैं एक ऐसा एक सिंबल हूं, संकेत हूं, जो किताबों में पढ़ाया जाता है कि खरगोश को मैंने हराया था. तो कछुए की तरह अगर आप उसमें कोई अपनी कामना लिखते हैं उस कछुए में, तो कछुए की तरह अपने जीवन में आपने विश्राम नहीं करना. अगर आपने विश्राम कर लिया और अपनी मनोकामना लिख दी, मनोकामना पूर्ण नहीं होगी तो आप क्या करें. कछुए का कोई आकार, कछुए की तस्वीर अपने घर में इस बात के साथ दिमाग में रखकर ये रख लीजिए कि विश्राम आप नहीं करेंगे और कछुए की चाल से धीरे धीरे चलो. विजय श्री भाव का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा. नमस्कार. हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर जय मदान एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टॉर्टोइस. मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से इसकी बात की जाए जो यूजुअली सबके घरों में देखने के लिए मिलता है. We see tortoise at everyone's house. कई बार लोग इसको गलत डायरेक्शन में रख देते हैं, कई बार डिफरेंट शेप्स का होता है, कई बार एक के ऊपर एक होता है. एक्चुअली tortoise का पर्पस क्या है, ये है क्या, आप सभी जानते हैं वो स्टोरी जिसमें समुद्र मंथन की बात हुई थी. इसके ऊपर समुद्र मंथन हुआ था तो tortoise ने स्टेबिलिटी का काम किया था. बिल्कुल यही इसकी रेमेडी भी है. जिस एरिया में लाइफ में स्टेबिलिटी ना हो वहाँ हम टॉर्टोइस को यूज़ कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा इंस्टेबल क्या होगा कि आपकी पूरी ज़िंदगी हिल जाएगी, ये दो चीज़ें हैं, एक मनी एंड एक हेल्थ.
जब आपकी ज़िंदगी में पैसा स्टेबल नहीं होता, रिलेशनशिप्स हिल जाते हैं, स्ट्रेस हो जाती है, लोगों में रिस्पेक्ट नहीं रहती, बहुत सारे और वेरिएशंस इसके साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि टॉर्टोइस को हमेशा नॉर्थ में रखो। देखिए, जब आप नॉर्थ में टॉर्टोइस रखते हैं तो आपको इसको पानी में रखना है। आप जानते हैं टॉर्टोइस इज़ वेरी कम्फर्टेबल इन वाटर एंड ऑन लैंड एज वेल। इसीलिए जब आप इसको नॉर्थ में रखते हैं तो इसकी जो टेल है, पूंछ है, वो पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ होनी चाहिए, ऐसे जैसे ये नॉर्थ से चलता हुआ आ रहा है। जब ये नॉर्थ से चलता हुआ आता है तो ये पैसे का अवतार बन जाता है। इसको पानी में रखेंगे तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी। ठीक इसी तरीके से अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, अगर हेल्थ में प्रॉब्लम है, आपको पता है टॉर्टोइस का शेल कितना स्ट्रॉन्ग होता है, ज़मीन पे ऊपर से गिर जाता है तब भी कुछ नहीं होता, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज समवेयर अराउंड 120 टू 150 ईयर्स, इतनी लंबी उम्र होती है। अगर आप इसको नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे, आपके यहाँ से हेल्थ इश्यूज़ धीरे धीरे गायब होने लग जाएंगे। सेकेंडली, जब आप टॉर्टोइस को नॉर्थ ईस्ट में रखें तो अपना मेडिसिन बॉक्स, अपनी दवाइयाँ भी उसके आसपास रखें, बिकॉज यू हैव टू डायरेक्ट दी एनर्जी। ऐसा नहीं होगा कि हमने कहीं पर कुछ भी डाल दिया। इट नीड्स टू अटेंड टू योर सबकॉन्शियस माइंड कि हम ये कर क्यों रहे हैं। आखिर आपका घर आप ही का तो सबकॉन्शियस माइंड का एक्सटेंशन है। क्यों आप एक शॉप पे जाते हैं, 100 चीज़ देखते हैं, एक चीज़ पसंद करते हैं, फिर घर पर लाकर उसको एक सेपरेट कॉर्नर पर रख देते हैं। दिस इज़ वाई, बिकॉज योर हाउस इज एक्सटेंशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए जब आप कोई रेमेडी करें तो उसको क्लियर इंटेंशन के साथ करें, सो दैट यू कैन गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। अगर हमें रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए हो, क्योंकि यहाँ पे भी तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो टॉर्टोइस को सिंगल नहीं रखिए, पेयर में रखिए, या फैमिली के साथ छोटे बड़े टॉर्टोइस मिला कर रखिए। तब आपको इसको साउथ वेस्ट में रखना है और ये ब्रास का होना चाहिए, जैसे कि मेरे हाथ में है, तब ये रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी लाता है। सो आई विल रिपीट माई सेल्फ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टॉर्टोइस को हमें पानी के अंदर रखना है, और पानी के अंदर जब हम टॉर्टोइस रखेंगे तो वो सिल्वर कलर का या सिल्वर मेटल का होना चाहिए। इसकी टेल पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ होनी चाहिए और इसको ज़मीन पे रखना है। जब हमें हेल्थ की स्टेबिलिटी चाहिए तो आइडियली टॉर्टोइस जो है ये ब्राउन कलर का हो या वुड का हो। इसके साथ में मेडिसिन बॉक्स ज़रूर रखना है, बिकॉज हमें किस चीज़ में स्टेबिलिटी चाहिए, माइंड में नहीं हेल्थ में, तो नॉर्थ ईस्ट इज़ ऑल्सो फॉर हेल्थ, तो इसलिए मेडिसिन बॉक्स साथ में रखना है। जब हमें रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी चाहिए तो ब्रास का या गोल्डन कलर का टॉर्टोइस होना चाहिए, एंड टू बी प्लेस्ड इन साउथ वेस्ट, बट सिंगल नहीं रखेंगे, दो तीन मिलाकर रखेंगे, एज अ ग्रुप रखेंगे। दिस विल गिव यू स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप्स, सो ट्राई प्लेसिंग अ टॉर्टोइस एंड सी द चेंजेस इन योर लाइफ। Hi, this is Jyoti Pancholi and welcome back, and in today's video we will talk about tortoise. Tortoise has got big importance in both Vastu Shastra as well as for trade. Now, tortoise is symbolic of long life. So, when you place it in your house, it denotes long life for the inmate, and when you place it in the office, it denotes long life for your business. The earthen tortoise can be kept in the southwest or the northeast zone, while the wooden tortoise is for your southeast or east. Now you get metal tortoise also, which can be kept in the northwest or west direction. Now whichever direction you keep your tortoise, it's important it should face the east. Always keep your tortoise in some water. Take a dish, place some colored stones and keep your tortoise. See to it that the feet of the tortoise are soaked in water. This way you can attract some wealth and good luck too. In my next video, I will talk about crystal tortoise. How to place your crystal tortoise, what are the benefits you can attract from your crystal tortoise. So keep watching and subscribe for more. That's all in today's video. Thank you for watching. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9483342695, 9632983695, 9448244.
4695. Another number 9482302695. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9483342695, 9632983695, 9448244695, ಅನದರ್ ನಂಬರ್ 9482302695. मैं हूं आचार्य पी खुराना. होम सूत्र के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार. एक बार मैं यात्रा कर रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया. उसको मालूम हुआ कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और होम सूत्र में आता हूं. उन्होंने आपके प्रोग्राम में कहीं देखा. वो कहती हैं जी, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैंने सुना है कि कछुआ एक एक बाजार से मिलता है, उसको घर में एक उसका एक बॉक्स बना होता है, उसमें अपनी विश लिखकर बंद करके उसको पानी में, घर के पानी में कहीं जो भी उसका होता है आधार, वहाँ छोड़ दीजिए. विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाती है. दर्शकों, ये बात कहीं भी न्याय संगत नहीं लगती. ये प्रश्न बड़ा अजीब सा लगता है, ये कैसे हो सकता है. लेकिन एक बात तो भी सत्य है. मैंने उस व्यक्ति को क्या जवाब दिया जो आपको आज दे रहा हूं. जितने भी आप जिंदगी में चीजें रखते हो वो कहीं ना कहीं संकेतिक है. लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करो, संकेतिक है. इसी प्रकार मर्यादा में रहो, ये लक्ष्मण रेखा है. वो कछुआ आपको क्या कहता है, अकेली विष करने से बात नहीं बनेगी. जब आप अपनी विष उस कछुए के पास रखोगे तो कछुआ कहता है कि मैं अनथक हूं, मैं चलता रहता हूं, मैं एक ऐसा एक सिंबल हूं, संकेत हूं, जो किताबों में पढ़ाया जाता है कि खरगोश को मैंने हराया था. तो कछुए की तरह अगर आप उसमें कोई अपनी कामना लिखते हैं उस कछुए में, तो कछुए की तरह अपने जीवन में आपने विश्राम नहीं करना. अगर आपने विश्राम कर लिया और अपनी मनोकामना लिख दी, मनोकामना पूर्ण नहीं होगी तो आप क्या करें. कछुए का कोई आकार, कछुए की तस्वीर अपने घर में इस बात के साथ दिमाग में रखकर ये रख लीजिए कि विश्राम आप नहीं करेंगे और कछुए की चाल से धीरे धीरे चलो. विजय श्री भाव का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा. नमस्कार. हाय, दिस इज ज्योति पंचोली एंड वेलकम बैक. एंड इन टुडेस वीडियो वी विल टॉक अबाउट टॉर्टोइस. टॉर्टोइस हैज गॉट बिग इंपॉर्टेंस इन बोथ वास्तुशास्त्र एज वेल एज फॉर्चून. Now, tortoise is symbolic of long life. So, when you place it in your house, it denotes long life for the inmate, and when you place it in the office, it denotes long life for your business. The earthen tortoise can be kept in the southwest or the northeast zone, while the wooden tortoise is for your southeast or east. Now, you get metal tortoise also, which can be kept in the northwest or west direction. Now, whichever direction you keep your tortoise, it's important it should face the east. Always keep your tortoise in some water. Take a dish, place some colored stones and keep your tortoise. See to it that the feet of the tortoise are soaked in water. This way you can attract some wealth and good luck too. In my next video, I will talk about crystal tortoise. How to place your crystal tortoise, what are the benefits you can attract from your crystal tortoise. So keep watching and subscribe for more. That's all in today's video. Thank you for watching. Hello everyone. My name is Dr. Jayamadan. And today I'm going to talk about tortoise. मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से इसकी बात की जाए जो यूजुअली सबके घरों में देखने के लिए मिलता है,
We see tortoise at everyone's house. कई बार लोग इसको गलत डायरेक्शन में रख देते हैं, कई बार डिफरेंट शेप्स का होता है, कई बार एक के ऊपर एक होता है. एक्चुअली टॉर्टोइस का पर्पस क्या है, ये है क्या? आप सभी जानते हैं वो स्टोरी जिसमें समुद्र मंथन की बात हुई थी. इसके ऊपर समुद्र मंथन हुआ था, तो टॉर्टोइस ने स्टेबिलिटी का काम किया था. बिल्कुल यही इसकी रेमेडी भी है. जिस एरिया में लाइफ में स्टेबिलिटी ना हो वहाँ हम टॉर्टोइस को यूज़ कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा इंस्टेबल क्या होगा कि आपकी पूरी ज़िंदगी हिल जाएगी, ये दो चीज़ें हैं, एक मनी एंड एक हेल्थ. जब आपकी ज़िंदगी में पैसा स्टेबल नहीं होता, रिलेशनशिप्स हिल जाते हैं, स्ट्रेस हो जाती है, लोगों में रिस्पेक्ट नहीं रहती, बहुत सारे और वेरिएशंस इसके साथ जुड़ जाते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि टॉर्टोइस को हमेशा नॉर्थ में रखो. देखिए जब आप नॉर्थ में टॉर्टोइस रखते हैं तो आपको इसको पानी में रखना है. आप जानते हैं टॉर्टोइस इज़ वेरी कंफर्टेबल इन वाटर एंड ऑन लैंड एज वेल. इसीलिए जब आप इसको नॉर्थ में रखते हैं तो इसकी जो टेल है, पूंछ है, वो पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ होनी चाहिए, ऐसे जैसे ये नॉर्थ से चलता हुआ आ रहा है. जब ये नॉर्थ से चलता हुआ आता है तो ये पैसे का अवतार बन जाता है. इसको पानी में रखेंगे तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी. ठीक इसी तरीके से अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, अगर हेल्थ में प्रॉब्लम है, आपको पता है टॉर्टोइस का शेल कितना स्ट्रॉन्ग होता है, ज़मीन पे ऊपर से गिर जाता है तब भी कुछ नहीं होता. एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ समवेयर अराउंड 120 टू 150 ईयर्स. इतनी लंबी उम्र होती है. अगर आप इसको नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे आपके यहाँ से हेल्थ इश्यूज़ धीरे धीरे गायब होने लग जाएंगे. सेकेंडली जब आप टॉर्टोइस को नॉर्थ ईस्ट में रखें तो अपना मेडिसिन बॉक्स, अपनी दवाइयाँ भी उसके आसपास रखें, बिकॉज यू हैव टू डायरेक्ट दी एनर्जी. ऐसा नहीं होगा कि हमने कहीं पर कुछ भी डाल दिया. इट नीड्स टू अटेंड टू योर सबकॉन्शियस माइंड कि हम ये कर क्यों रहे हैं. आखिर आपका घर आप ही का तो सबकॉन्शियस माइंड का एक्सटेंशन है. क्यों आप एक शॉप पर जाते हैं, 100 चीज़ देखते हैं, एक चीज़ पसंद करते हैं, फिर घर पर लाकर उसको एक सेपरेट कॉर्नर पर रख देते हैं. दिस इज़ वाई, बिकॉज योर हाउस इज एक्सटेंशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. इसीलिए जब आप कोई रेमेडी करें तो उसको क्लियर इंटेंशन के साथ करें, सो दैट यू कैन गेट अमेजिंग रिजल्ट्स. अगर हमें रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए हो, क्योंकि यहाँ पे भी तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो टॉर्टोइस को सिंगल नहीं रखिए, पेयर में रखिए, या फैमिली के साथ छोटे बड़े टॉर्टोइस मिला कर रखिए. तब आपको इसको साउथ वेस्ट में रखना है और ये ब्रास का होना चाहिए जैसे कि मेरे हाथ में है. तब ये रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी लाता है. सो आई विल रिपीट माई सेल्फ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टॉर्टोइस को हमें पानी के अंदर रखना है, और पानी के अंदर जब हम टॉर्टोइस रखेंगे तो वो सिल्वर कलर का या सिल्वर मेटल का होना चाहिए. इसकी टेल पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ होनी चाहिए और इसको ज़मीन पे रखना है. जब हमें हेल्थ की स्टेबिलिटी चाहिए तो आइडियली टॉर्टोइस जो है ये ब्राउन कलर का हो या वुड का हो. इसके साथ में मेडिसिन बॉक्स ज़रूर रखना है, बिकॉज हमें किस चीज़ में स्टेबिलिटी चाहिए, माइंड में नहीं हेल्थ में, तो नॉर्थ ईस्ट इज़ ऑल्सो फॉर हेल्थ, तो इसलिए मेडिसिन बॉक्स साथ में रखना है. जब हमें रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी चाहिए तो ब्रास का या गोल्डन कलर का टॉर्टोइस होना चाहिए, एंड टू बी प्लेस्ड इन साउथ वेस्ट. बट सिंगल नहीं रखेंगे, दो तीन मिलाकर रखेंगे, एज अ ग्रुप रखेंगे. दिस विल गिव यू स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप्स. सो ट्राई प्लेसिंग अ टॉर्टोइस एंड सी द चेंजेस इन योर लाइफ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9483342695, 9632983695, 9448244695, ಅನದರ್ ನಂಬರ್ 9482302695. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9483342695,
9632983695, 9448244695, another number 9482302695. मैं हूं आचार्य पी खुराना। होम सूत्र के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एक बार मैं यात्रा कर रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया। उसको मालूम हुआ कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और होम सूत्र में आता हूं। उन्होंने आपके प्रोग्राम में कहीं देखा, वो कहती हैं जी अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैंने सुना है कि कछुआ एक एक बाजार से मिलता है, उसको घर में एक उसका एक बॉक्स बना होता है, उसमें अपनी विश लिखकर बंद करके उसको पानी में, घर के पानी में कहीं जो भी उसका होता है आधार, वहाँ छोड़ दीजिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। दर्शकों, ये बात कहीं भी न्याय संगत नहीं लगती। ये प्रश्न बड़ा अजीब सा लगता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन एक बात तो भी सत्य है। मैंने उस व्यक्ति को क्या जवाब दिया जो आपको आज दे रहा हूं। जितने भी आप जिंदगी में चीजें रखते हो वो कहीं ना कहीं संकेतिक है। लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करो, संकेतिक है। इसी प्रकार मर्यादा में रहो, ये लक्ष्मण रेखा है। वो कछुआ आपको क्या कहता है, अकेली विश करने से बात नहीं बनेगी। जब आप अपनी विश उस कछुए के पास रखोगे तो कछुआ कहता है कि मैं अनथक हूं, मैं चलता रहता हूं, मैं एक ऐसा एक सिंबल हूं, संकेत हूं, जो किताबों में पढ़ाया जाता है कि खरगोश को मैंने हराया था। तो कछुए की तरह अगर आप उसमें कोई अपनी कामना लिखते हैं उस कछुए में, तो कछुए की तरह अपने जीवन में आपने विश्राम नहीं करना। अगर आपने विश्राम कर लिया और अपनी मनोकामना लिख दी, मनोकामना पूर्ण नहीं होगी तो आप क्या करें। कछुए का कोई आकार, कछुए की तस्वीर अपने घर में इस बात के साथ दिमाग में रखकर ये रख लीजिए कि विश्राम आप नहीं करेंगे और कछुए की चाल से धीरे धीरे चलो। विजय श्री भाव का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। नमस्कार। हाय, दिस इज ज्योति पंचोली एंड वेलकम बैक, एंड इन टुडेस वीडियो वी विल टॉक अबाउट टॉर्टोइस। टॉर्टोइस हैज गॉट बिग इंपॉर्टेंस इन बोथ वास्तुशास्त्र एज वेल एज पॉटरी। Now, tortoise is symbolic of long life. So, when you place it in your house, it denotes long life for the inmate, and when you place it in the office, it denotes long life for your business. The earthen tortoise can be kept in the southwest or the northeast zone, while the wooden tortoise is for your southeast or east. Now, you get metal tortoise also, which can be kept in the northwest or west direction. Now, whichever direction you keep your tortoise, it's important it should face the east. Always keep your tortoise in some water. Take a dish, place some colored stones and keep your tortoise. See to it that the feet of the tortoise are soaked in water. This way you will attract some wealth and good luck too. In my next video, I will talk about crystal tortoise. How to place your crystal tortoise, what are the benefits you can attract from your crystal tortoise. So keep watching and subscribe for more. That's all in today's video. Thank you for watching. Hello everyone, my name is Dr. Jay Madan and today I'm going to talk about tortoise. मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से इसकी बात की जाए जो यूजुअली सबके घरों में देखने के लिए मिलता है। वी सी टॉर्टोइस एट एवरीवन्स हाउस। कई बार लोग इसको गलत डायरेक्शन में रख देते हैं, कई बार डिफरेंट शेप्स का होता है, कई बार एक के ऊपर एक होता है। एक्चुअली टॉर्टोइस का पर्पस क्या है, ये है क्या, आप सभी जानते हैं वो स्टोरी जिसमें समुद्र मंथन की बात हुई थी। इसके ऊपर समुद्र मंथन हुआ था तो टॉर्टोइस ने स्टेबिलिटी का काम किया था। बिल्कुल यही इसकी रेमेडी भी है। जिस एरिया में लाइफ में स्टेबिलिटी ना हो वहाँ हम टॉर्टोइस को यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंस्टेबल क्या होगा कि आपकी पूरी ज़िंदगी हिल जाएगी, ये दो चीज़ें हैं, एक मनी एंड एक हेल्थ।
जब आपकी ज़िंदगी में पैसा स्टेबल नहीं होता, रिलेशनशिप्स हिल जाते हैं, स्ट्रेस हो जाती है, लोगों में रिस्पेक्ट नहीं रहती, बहुत सारे और वेरिएशंस इसके साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि टॉर्टोइज़ को हमेशा नॉर्थ में रखो। देखिए, जब आप नॉर्थ में टॉर्टोइज़ रखते हैं तो आपको इसको पानी में रखना है। आप जानते हैं टॉर्टोइज़ इज़ वेरी कम्फर्टेबल इन वाटर एंड ऑन लैंड एज वेल। इसीलिए जब आप इसको नॉर्थ में रखते हैं तो इसकी जो टेल है, पूंछ है, वो पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ होनी चाहिए, ऐसे जैसे ये नॉर्थ से चलता हुआ आ रहा है। जब ये नॉर्थ से चलता हुआ आता है तो ये पैसे का अवतार बन जाता है। इसको पानी में रखेंगे तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी। ठीक इसी तरीके से अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, अगर हेल्थ में प्रॉब्लम है, आपको पता है टॉर्टोइस का शेल कितना स्ट्रांग होता है, ज़मीन पे ऊपर से गिर जाता है तब भी कुछ नहीं होता, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज समवेयर अराउंड 120 टू 150 ईयर्स, इतनी लंबी उम्र होती है। अगर आप इसको नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे आपके यहाँ से हेल्थ इश्यूज़ धीरे धीरे गायब होने लग जाएंगे। सेकेंडली, जब आप टॉर्टोइज़ को नॉर्थ ईस्ट में रखें तो अपना मेडिसिन बॉक्स, अपनी दवाइयाँ भी उसके आसपास रखें, बिकॉज यू हैव टू डायरेक्ट दी एनर्जी। ऐसा नहीं होगा कि हमने कहीं पर कुछ भी डाल दिया। इट नीड्स टू अटेंड टू योर सबकॉन्शियस माइंड कि हम ये कर क्यों रहे हैं। आखिर आपका घर आप ही का तो सबकॉन्शियस माइंड का एक्सटेंशन है। क्यों आप एक शॉप पे जाते हैं, 100 चीज़ देखते हैं, एक चीज़ पसंद करते हैं, फिर घर को लाकर उसको एक सेपरेट कॉर्नर पे रख देते हैं। दिस इज़ वाई, बिकॉज योर हाउस इज़ एक्सटेंशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए जब आप कोई रेमेडी करें तो उसको क्लियर इंटेंशन के साथ करें, सो दैट यू कैन गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। अगर हमें रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए हो, क्योंकि यहाँ पे भी तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो टॉर्टोइज़ को सिंगल नहीं रखिए, पेयर में रखिए, या फैमिली के साथ छोटे बड़े टॉर्टोइज़ मिला कर रखिए। तब आपको इसको साउथ वेस्ट में रखना है और ये ब्रास का होना चाहिए जैसे कि मेरे हाथ में है, तब ये रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी लाता है। सो आई विल रिपीट माई सेल्फ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टॉर्टोइज़ को हमें पानी के अंदर रखना है, और पानी के अंदर जब हम टॉर्टोइज़ रखेंगे तो वो सिल्वर कलर का या सिल्वर मेटल का होना चाहिए, इसकी टेल पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ होनी चाहिए, और इसको ज़मीन पे रखना है। जब हमें हेल्थ की स्टेबिलिटी चाहिए तो आइडियली टॉर्टोइज़ जो है ये ब्राउन कलर का हो या वुड का हो। इसके साथ में मेडिसिन बॉक्स ज़रूर रखना है, बिकॉज हमें किस चीज़ में स्टेबिलिटी चाहिए, माइंड में नहीं हेल्थ में, तो नॉर्थ ईस्ट इज़ ऑल्सो फॉर हेल्थ, तो इसलिए मेडिसिन बॉक्स साथ में रखना है। जब हमें रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी चाहिए तो ब्रास का या गोल्डन कलर का टॉर्टोइज़ होना चाहिए, एंड टू बी प्लेस्ड इन साउथ वेस्ट, बट सिंगल नहीं रखेंगे, दो तीन मिलाकर रखेंगे, एज अ ग्रुप रखेंगे। दिस विल गिव यू स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप्स। सो ट्राई प्लेसिंग अ टॉर्टोइज़ एंड सी द चेंजेस इन योर लाइफ। ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9483342695, 9632983695, 9448244695, ಅನದರ್ ನಂಬರ್ 9482302695. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9483342695, 9632983695, 9448244695, ಅನದರ್ ನಂಬರ್ 9482302695.